हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज है करवा चौथ और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये है मेरा पहला करवा चौथ और इधर सोनी तैयार हो चुकी है। बाकी कुछ ही देर में चंद्रमा के दर्शन होंगे और सोनी का व्रत टूटेगा। और ये रही मेरी प्यारी मम्मी जी, जो कि एकदम तैयार हो चुकी है। मम्मी, आप तैयार हो? हाँ, तैयार है। ओ लव यू मेरी मम्मी जी। मम्मी एकदम तैयार हो चुकी है। ये है दो प्यारे प्यारे कलश, एक ये है सोनी का और एक ये है मम्मी का, जो कि कलश भी एकदम तैयार हो चुके। इधर ये पूजा करने के लिए माता जी ने और सोनी ने थाली को सजा दिया है। बाकी इनको लेके जाएंगे ऊपर और पूजा करेंगे। लहंगा से भाई झाड़ू लग रही। भाई हम लोग छत के ऊपर आगे पूजा करने के लिए। बाकी सोनी का लहंगा इतने नीचे लटक रहा है भाई, अपने आप ही झाड़ू लग रही है। भाई चंद्रमा निकल चुकी है तो सोनी और मम्मी पूजा करने लगी है छत के ऊपर। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये मेरा पहला करवा चौथ है तो अच्छा तो लग रहा है बहुत ज्यादा, और सोनी को भी अच्छा ही लग रहा होगा। कुछ ही देर में सोनी और मम्मी का ब्रेड टूट जाएगा, क्योंकि पूजा तो पूरी होने वाली है। भाई सोनी का पहली बार करवा चौथ है तो मम्मी को थोड़ा बताना पड़ रहा है कि कैसे कैसे पूजा करनी होती है। वैसे तो पूजा मतलब नॉर्मली पूजा, जैसे भगवान जी की पूजा तो होती रहती है, सोनी करती रहती है, तो वो तो पता है। बाकी ये करवा चौथ का व्रत पहली बार रखा। भाई अब छलनी से मेरे को देखा जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा। भाई दिख रहा हूँ ना मैं? सीधे खड़े हो वो दोनों लोग। ये भाई मेरे को सेलिब्रिटी वाली फील आ रही। मैं सोनी को देख रहा और सोनी मेरे को देख रही है। भाई भाई कीड़े देखो लाइट की वजह से। तो भाई मम्मी ने पूजा कर ली और मम्मी ने सोनी ने आप प्रसाद दे दिया वंदना को, सभी लोगों को प्रसाद दे दिया। भाई मेरे को प्रसाद नहीं दिया, मुझे भी दो प्रसाद। जय हो भगवान, आपको सद्बुद्धि दे। मम्मी प्रसाद दो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मम्मी मेरे को प्रसाद देंगी। जय हो जय हो जय हो। मम्मी के पास पहले से ही बुद्धि है। और अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। पूजा हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। वैसे तो हम लोगों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मम्मी और सोनी की पूजा थी, दोनों लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। भाई इधर सोनी चौक पूर रही है, आटे से बनाया जाता है और इसके ऊपर पटा डाला जाएगा और उसी पे बैठ के हमें कुछ खिलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, पेड़े वेड़े खिलाए जाएंगे। तो पहले तो पटा पे बैठा के मम्मी ने पापा को पेड़े खिलाए। और भाई ये रहा रुमाल, ये रखा मैंने सर के ऊपर और अब मैं पटे के ऊपर बैठूंगा, पेड़े खाऊंगा। छोटा पटा है भाई, बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहले से लगाया जाएगा, मेरे को नहीं मालूम। ये भाई मजा आ रहा है मेरे को। पूरे पांच खिलाए जाएंगे, पांच, अभी दो हुए, तीन, फटाफट, चार, पांच। भाई मेरा पूरा मुंह भर गया। भाई ये रहे मेरे पैर, योगी सोनी मेरे चरण स्पर्श कर रही है। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जियो। तो मोड़ कहाँ जा रहे हो? इधर इधर भाई, इधर हाथ रखूं क्या? ठीक है, सदा सुहागन रहो, जुग जुग जियो, पुत्रवती हो। भाई सभी लोगों ने अपने अपने लिए खाना परोस दिया है और अब हम सभी लोग खाना खाने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया। इधर मेरी मम्मी और उधर वंदना और इधर सोनी और इधर मैं, भाई खाना खाने के लिए जा रहे हैं। भाई खाना पीना मेरा हो गया और अब हम ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।